सुप्रभात, नमस्कार मारा वहाला विद्यार्थी मित्रों, केम छो बधा? मजा माने हूँ अनिता चौहान, तमारा गुजराती विषयना शिक्षक छू। तो वेलकम बेक टू गुजराती क्लास। आपणे गुजराती में शू समझी रह्या छीए? वर्णमाला। आजे आपणे भाग 16 એટલે કે 16 पार्ट 16 समझवानो छे। मतलब के आपणे लास्ट विडियो नी अंदर जे पण समझ्या हता ए पण थोड़ू याद करीशुं अने आगळनुं आपणे समझीशुं। तो चालो समझिए। तो सबसे पहले हमने लास्ट वीडियो में क्या समझा था? तो हमने लास्ट वीडियो में सीखा था ल, ठीक है। उससे पहले हमने सीखा था र, ठीक है, र ल। और उससे भी पहले हम आज जो अभ्यास करेंगे वो हम चार व्यंजन का करेंगे, जैसे कि म य र ल, ठीक है। चार व्यंजन का आज हम अभ्यास करेंगे। तो सबसे पहले हमारे अभ्यास में सबसे पहला प्रश्न है, समान मूलाक्षरों पर सर्कल करो। मतलब एक जैसे दिखने वाले अक्षरों पर हमें सर्कल करना है, ठीक है। एक जैसे दिखने वाले मतलब समान दिखने वाले। तो यहाँ पर हमें कौन सा शब्द दिया है? म। तो आपको यहाँ पर करके दिखाया है म, ठीक है। जो ये सारे शब्द हैं वो अलग दिखते हैं, ठीक है, थीके? लेकिन हमें कौन सा चाहिए? समान दिखने वाला, एक जैसा दिखने वाला, ठीक है बच्चों। आप कभी कभार ऐसे करते हो, यहाँ पर हमें सर्कल बोला है तो आप सर्कल ही करो, ठीक है। कभी कभार आपको स्क्वायर भी बोला है तो आप स्क्वायर ही बनाओ, आप सर्कल मत बनाओ, ठीक है। फिर है य। तो यहाँ पर आपको समान कौन सा अक्षर दिखता है? ये वाला, ठीक है, यहाँ पर हमने किया हुआ ही है। नेक्स्ट है र, म य र ल, ठीक है, चार है हमारे व्यंजन। तो यहाँ पर र जो है वो यहाँ पर है, फिर ल तो वो यहाँ पर है, बाकी सारे अलग दिखते हैं, ठीक है, थीके? हमें चाहिए समान दिखने वाला। फिर है चोरस मा, अलग लंब चोरस छे, लंब चोरस मा लखेलो मूलाक्षर शोधी तेना फरते सर्कल करो, ठीक है। तो आपको क्या बताया गया है कि यहाँ पर जो स्क्वायर में आपको शब्द दिया है उसे पहचान कर उसके ऊपर आपको सर्कल बनाने हैं। जैसे मैम ने यहाँ पर किया है, सबसे पहला है म, तो म के ऊपर हम क्या करेंगे? सर्कल बोला है, क्या बोला है? सर्कल, ठीक है। तो आप सर्कल ही बनाओगे, स्क्वायर नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर य बताया गया है तो मैम ने यहाँ पर आपको करके ही दिखाया है य। फिर यहाँ पर कौन सा है? र। ये कौन सा है? ल, ठीक है। तो जैसे मैम ने किया है वैसे ही आपको करना है। और हमारा लास्ट क्वेश्चन है, चित्र जुओ अने साचा शब्द फरते, शू करवानू छे? सर्कल। मतलब हमें चित्र को पहचानना है और उसके सही नाम पर हमें क्या करना है? गोला लगाना है, ठीक है। तो सबसे पहले ये किसका चित्र है बताओ? मर्ची का, ठीक है। तो गुजराती में उसे मर्चा, सुके भाई मर्चा, मतलब ये बहुवचन शब्द है, एक से अधिक है इसलिए मर्चा अथवा मर्चू, ओके। फिर ये क्या है? ये जो गोल्ड है, गोल्ड बिस्किट, ठीक है। और उसे गुजराती में से बोला जाता है लगड़ी, क्या बोलते हैं? लगड़ी। तो ये ल से स्टार्ट होता है। फिर ये कौन है जो मम्मी आपके घर पे क्या बनाती है? रसोई, ठीक है, जो र से स्टार्ट होता है। मतलब हमने जो चार व्यंजन सीखे उसी से स्टार्ट होने वाले ये सारे शब्द है। फिर ये कौन है? इसे बोलते हैं यति, क्या बोलते हैं? यति, जो य से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो आज हमने अभ्यास कंप्लीट किया चार व्यंजनों का।
ओके, तो मुझे उम्मीद है कि आप सबको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो हम इस वीडियो में यहाँ तक ही करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का व्यंजन सीखने के लिए फिर मिलेंगे। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू। आओ जो